सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नाय सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज और मेरी पावन गुरु परंपरा में जो कि पूर्ण महापुरुष सिद्धों की ये गुरु परंपरा है जिसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे महापुरुष परम विद्वान शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता हमारे परदादा गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज और इस युग के महान तपस्वी परम सिद्ध पतिव्रता संत मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ और परंपरा से उसी ऊर्जा से ओतप्रोत होकर हमारी इस कबीर साहब और गरीबदास महाराज की नादी परंपरा के पीठाधीश्वर व्यास गद्दी पर उपस्थित ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ परम योगेश्वर व्यास स्वरूप मेरे परम पूज्य गुरुदेव मैं श्री गंगाधर जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हम महान सिद्धों की गुरु परंपरा के अनुयायी हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आद गुरु सतगुरु कबीर साहब से लेकर और आपके सामने पीठ पर विराजमान ग्यारहवें सतगुरु हमारे उसी ऊर्जा से परिपूर्ण हम जिनका दर्शन कर रहे हैं तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। एक समय था हमारी भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो गुरुकुल में माता पिता गुरु के पास छोड़कर आते थे यानी बेटा हमने तो संसार के कुल में तेरे को पैदा कर दिया अब गुरु के कुल में चला जा इसलिए उसको गुरुकुल कहते थे माँ से ज्ञान प्राप्त करके। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और भी है। संसार के सारे कुल नष्ट हो जाते हैं लेकिन गुरु का कुल एक ऐसा कुल है जो परमात्मा से जहाँ से हम बिछड़े हैं उसमें मिला देता है। इसलिए बाबा जी फरमाते हैं गरीब ऐसा सतगुर से ये पार उतारे हमसे भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सो हम बन से। इस संसार में आकर गुरु के कुल में जाना यानी आप जो आए हैं ना ये खाली आश्रम नहीं है ये भी एक गुरुकुल है क्योंकि हम गुरु के कुल से जुड़ गए हैं। तो ऐसे सतगुरु को सेना जो हमें पार कर दे और जहाँ से बिछड़े हैं इस जीव का जो वंश है असली कुल है उसमें मिला दे क्योंकि लग 84 योनि में हम बहते जा रहे हैं एक सतगुरु ही भुजा पकड़ के हमें पार कर सकते हैं। तो इसलिए महापुरुषों ने इन दिनों की बड़ी महत्ता बताई है कि गुरु धारण करना जरूरी है नहीं तो गुरु के बिना यह जीव नुगरा होता है। फिर बार बार जाकर गुरु चरणों में दर्शन करो उनके वाणी श्रवण करो ज्ञान प्राप्त करो। बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि बार बार आप गुरु दरबार में नहीं जा सकते तो कबीर साहब ने एक लिमिट रखी कि वर्ष में एक दिन गुरु पूर्णिमा को जाकर जरूर दर्शन करो चाहे कितनी दूर हो आप कैसी परिस्थितियां हो। फिर किसी भक्त ने प्रश्न किया गुरुदेव अगर ना जा पाए तो साल में तो कबीर साहब फरमाते हैं कबीर बरस बरस नहीं कर सके तो ताको लागे दोसे कहे कबीरता जीव की कबू न होवे मोक्ष।
दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीव का फिर मोक्ष नहीं होता, क्योंकि उसका जो कनेक्शन जुड़ा हुआ था कृपा का, ऊर्जा का, वो टूटने लग जाता है। तो बार बार हम जब गुरुदेव के चरणों में आते हैं तो कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक उल्लू ही काफी है गुलशन ए बर्बादी के लिए, और एक सतगुरु ही काफी है इस जीव की चौरासी काटने के लिए। कहते हैं किसी की छत पे उल्लू बैठने लग जाए बर्बादी हो जाती है, लेकिन ये जीव अगर सतगुरु के सम्मुख हो जाए तो चौरासी कट जाती है। मैंने सुना है कि दुकानों में जो केस रखते हैं गल्ला होता है, अगर उसका मुंह उत्तर की तरफ हो खुले तो कुबेर की दृष्टि पड़ती है और उसमें धर्म बरकत होती है। और मैं कहती हूँ इस जीव की दृष्टि गुरु की तरफ हो जाए तो भक्ति में बरकत होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि परम धन हमें भी गुरु महाराज देते हैं। अब कैसे पता चले कि पूर्ण संत हैं, गुरुमुख भी बनना चाहते हैं, जीव के एक प्रश्न खड़ा हो जाता है मुझे पूरा गुरु मिलना चाहिए। कबीर साहब ने बहुत बड़ी पहचान प्रमाणित की संसार के अंदर कि वो सदगुरु थे। जिस समय काशी में सदगुरु कबीर साहब प्रकट थे, अपनी शिष्य मंडली को लेकर पैदल भ्रमण करते थे, अपने हंसों को ढूंढते, घूमते घूमते राजस्थान से गुजरात गए और वहां पर एक नर्मदा नदी के किनारे शुक्ल तीर्थ है, लोगों की बड़ी मान्यता है। भड़ोच एक छोटा सा गांव जिसमें नदी के पार एक टापू सा बना हुआ है, वहां दो भाई रहते थे, तत्वा जीवा। तत्वा बड़ा था, जीवा छोटा था, लेकिन बहुत परमात्मा में बैराग था, लगन थी, हम भगवान को पाना चाहते हैं, सत्संग में सुनते थे, लेकिन हम गुरुमुख भी होना चाहते, गुरु किसको बनाए, गुरु पूरा होना चाहिए। पता चलता कोई संत आए हम भागे जाते, सत्संग सुनते संतुष्टि नहीं होती। उन्होंने क्या किया, दोनों भाई बतलाए कि ऐसा करते हैं, एक वर्ष की सूखी टहनी उठाकर और जमीन में गाड़ दी अपने घर में आंगन में, और कहने लगे जो भी महापुरुष आएंगे ना उनके चरण धोएंगे और वो चरणामृत इसमें डाला करेंगे डेली, अगर किसी के चरणामृत से ये हरी हो गई जिस दिन उसी को गुरु बना लेंगे। ये दोनों की ही सलाह थी, भावना थी उनकी। सरस रख दी, जहां भी पता चलता कोई संत आए हैं सत्संग श्रवण करते, उसका चरण धोकर लाते, लोटा ले जाते और फिर उस टहनी में डालते। लेकिन बहुत समय बीत गया, वो हरी टहनी नहीं हुई। एक दिन उदास हो गए, क्या इस धरती पर भैया पूर्ण संत नहीं रहे हैं, ये संतों से विहीन हो गई है और गुरुमुख हम बन नहीं पाए, इससे अच्छा नर्मदा नदी में डूब के मर जाते हैं। और उनका नियम था जब तक नित्य किसी संत की सेवा ना कर ले, उनका ज्ञान श्रवण ना कर ले तो वो भोजन नहीं करते थे। दोनों भाई चल दिए, आज डूब के मरेंगे नर्मदा नदी में। सदगुरु कबीर साहब के अंतस में प्रेरणा चली गई कि धरती संतों से विहीन नहीं हुई है, अभी भी संत हैं। सदगुरु वहां पर एक सफेद चोला सा पहनकर रास्ते में ही प्रकट हो गए जब वो आ रहे थे, और फिर उन्होंने देखा अरे संत आ गए, चलो इनको भी देख लेते हैं, घर ले गए। कहने लगे जीवा जल्दी लोटा ला जल का, कबीर साहब को विराजमान किया और दोनों भाइयों ने बड़े प्यार से जल धोया, और उनका नियम था जाकर टहनी में डाला, पानी डालते डालते हरी कोपल फूटाई और कोपलों से बड़े बड़े पत्ते हो गए, बढ़ने लगा पेड़। दोनों भाई हैरान हो गए, धर के लोटा वहीं पर और सदगुरु कबीर साहब के चरणों में गिर के क्या रोए हैं, ये सदगुरु भक्तों की लाज आप रखते हैं, हम तो सोच रहे थे कोई सदगुरु कोई पूर्ण शांति नहीं रहा धरती पर, सदगुरु हमने शिष्य बना लो। सदगुरु वहां से अंतर ध्यान हो गए, मछली की तरह तड़पने लग गए दोनों भाई कि मिले भी और पता नहीं कहाँ गायब हो गए सदगुरु, कहाँ छुप गए। जब उनकी व्याकुलता को देखा फिर सदगुरु प्रकट हो गए और फिर विधिवत उनको सामने बैठा के और सार नाम की साधना बताई, श्वास में सुमरण करना है, और दोनों भाइयों के सिर पे हाथ रखा, उनकी समाधि लगी
और थोड़े समय में उनको साक्षात्कार हो गया। ऐसे सदगुरु कबीर साहब तत्वा जीवा को मिले तो बाबा जी वाणी में लिखते हैं, गरीब तत्वा जीवा को मिले दक्षिण बीच दयाले, सूखा कूट हरा हुआ ऐसे दीन दयाले। इस सृष्टि की कितनी बड़ी घटना है, जिनके चरणों का अमृत डालने जड़ नहीं थी उसमें, केवल सूखी टाणी आप जमीन में गाड़ोगे तो हरी नहीं होती है, लेकिन सदगुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो समर्थ महापुरुष है। तो ये प्रमाणित किया गरीबदास महाराज ने भी किया ऐसे सदगुरु थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा से भी पहले गुरु की पूजा जरूरी है। और कभी आपने विचार किया है, हम खोजने जाते हैं परमात्मा को, मिल जाते हैं गुरु, ढूंढना चाहते हैं परमात्मा को, मांगते हैं परमात्मा, मिल जाते हैं गुरु। क्यों? वो परमात्मा की ही प्रेरणा होती है कि जी मेरा तो बहुत दूर किनारा है, इस किनारे से उस किनारे पार करने वाला सेतु भी तो चाहिए, इसलिए परमात्मा गुरु जीवन में प्रकट कर देता है। और गुरु वो गोमुख है जहाँ से गंगा झरती है ज्ञान की, और जो जाकर सागर में विलीन कर देती है इस जीव को। इसलिए कभी गुरु है बड़ गोविंद ते मन में देख विचारे, अरे सुमरे तो पार है पर गुरु सुमरे तो पार। न्याय कर दिया सदगुरु ने कि गुरु का स्थान गोविंद से भी बढ़कर है। क्यों? गोविंद को भजोगे तो वारे ही रह जाओगे, और गुरु को भजोगे तो पार हो जाओगे, क्योंकि गुरु एक हाथ से हमें पकड़ते, दूसरा हाथ गुरु का परमात्मा में होता है। लक्ष्मण झोले देखे गंगा में, इस किनारे से उस किनारे जाते, झोले खाते जाते, लेकिन पार कर देते हैं। सतगुरु वही सेतु है जो इस संसार के किनारे जो जीव खड़े हैं वो परमात्मा के किनारे पहुंचा देता है। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। और गुरु जैसे भी हैं वो गुरु सत्ता ही होती है। गुरु का मतलब है जिसने जीवन की गुरुता को जान लिया है, जो जग गया है और दूसरे को जगाने की सामर्थ्य रखता है, जिसने जीवन के महत्व को समझ लिया है, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। एक लोग तो देखो, गुरु द्रोणाचार्य ने जब शूद्र समझ कर, भील बालक समझ कर दीक्षा नहीं दी, मिट्टी के गुरु बनाकर शस्त्र विद्या सीख ली, अपने गुरु को अंगूठे का दक्षिणा दे दी, तो श्रद्धा थी उनमें। और गुरु सामने थे द्रोणाचार्य, लेकिन दुर्योधन के अंदर वो निष्ठा नहीं हो पाई। अरे गुरु तो मिट्टी का भी हो, वो भी जीवन जीने की कला सिखा देगा, वो भी पार कर देगा। मैं छोटा सा प्रमाण सुनाऊं। एक राजा की बेटी थी वैराग्यवती, तो बचपन से ही सत्संग सुनकर उसको वैराग हो गया, रोती रहती थी। तो उन्हें कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं कराऊंगी, मैं तो गुरु की शरण में जाना चाहती। राजा ने उसका वैराग देख के एक अलग महल बनवा दिया, वो उसमें रहती, लेकिन गुरु नहीं मिले थे। वो रातों बैठकर रोती थी कि मुझे गुरु कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा। एक दिन रात को बैठी रो रही थी, उस महल में एक चोर ने पार लगा दिया पीछे से। जब जोरोखे से देखा कि राजकुमारी रो रही है, कह रही है गुरुदेव आप कहाँ हो, कब मिलोगे, मैं तो आपके चरणों में समर्पित होना चाहती। और चोर ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, इसको गुरु की जरूरत है और मुझे धन की जरूरत है। भागा गया और कहीं से गिरवे कपड़े पहन के माला टांग के आ गया। कौन था? चोर। और फिर अंदर घुस गया, उसने देखा कोई संत आए हैं। कहने लगे महाराज आप कौन हैं? कहने लगे मैं भगवान के भेजा हुआ गुरु हूँ, और तू दिन रात रोती रहती है, तुझे दीक्षा देने आया। थे वो चोर, वैराग्यवती ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे दीक्षा दो, बेटी यहाँ नहीं, सारे गहने धन बांध ले और जंगल में चार एकांत में दीक्षा दूंगा। वैराग्यवती तो सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार होगी, सारे गहने जो राजमहल में होते धन बांध के असरफियों की पोटली चली गई राजा को बिना बताए। जंगल में जब चले गए तो उसने कहा कि बेटी इस पेड़ के पास खड़ी हो जा, मैं तेरा गुरु हूँ। और उसको पेड़ से बांध दिया और जितना धन था वो सारा चुरा ले गया, और ये कह गया जब तक मैं ना खोलूं, चाहे भगवान भी आ जाए चाहे राजा आ जाए, तूने खुलना नहीं है। अब बांध के चला गया। अब वो रो रही है, गुरुदेव कब आओगे कब आओगे। हृदय में सच्ची पुकार थी, भगवान के धाम में उसकी पुकार पहुंची,
घर पर वो कहेंगे नारद जी जल्दी उस जंगल में जाओ, वैराग्य अवधि को सच्ची निष्ठा गुरु के प्रति उसको खोल के आओ। तो नारद जी आए बिना बजाते हुए, बेटी यहाँ क्यों बंधी हुई? कहेंगे मेरे गुरु ने बांधा, खोल दो। कहेंगे ना, वचन देकर गए मैं तो उन्हीं से खोलूंगी, किसी से नहीं। तो बंधी नहीं। जाकर नारद ने कहा प्रभु, उसने तो मना कर दिया खुलने से, और उसको पता ही नहीं था वो चोर है। भगवान भी आ गए सामने खड़े हैं वैराग्य बंदी के। कह लगे बेटी मैं खोल दो। कह लगे नहीं। कह लगे मैं भगवान हूँ, तेरे को खोलने आया हूँ, तू बंधन में पड़ी है। कह लगे ना, मेरे गुरु बांध के गए हैं, वो खोल लगे तो खुलूंगी। अब भगवान कह लगे नारद ढूंढ के लो वो कहाँ पर है तो वो चोर है, पर वो तो नहीं खुलेगी बेचारी, इसके अंदर भावना है। नारद जी गए, देखा था रात के समय किसी गांव में एक मकान में वहां भी पाड़ लगाने लग रहे हैं। पकड़ के हाथ नारद के लगे चल, उस चेली को बांध के आए वहा, परमात्मा भी आगे। वो कह रही गुरु खोलेंगे तो खुलूंगी, नहीं तो नहीं खुलूंगी, तो धोखा दे रहा है। वो चोर आया पकड़ के लाए और देखा भगवान भी खड़े हैं, देव ऋषि भी खड़े हैं, और वो इतनी खुश हो गई मेरे गुरु तो देव आ गए। चोर ने खोला, फिर खुश हो गई, देखा भगवान भी खड़े हैं गुरु भी, तो कहने लगी गुरु गोविंद दो खड़े लाके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। बोले कौन थे मुझे नहीं पता, फिर मेरे तो गुरु थे। तो आप देखो भगवान भी धरती पर उतर कर आ गए। तो गुरु सबका सबसे बढ़कर है, और उसी समय उसका जीवन में परिवर्तित होके वो एक महान गुरु बने, उसको भी गोविंद का दर्शन हुआ। श्रद्धा की बात होती है। और सहज भाई तो फरमाती है राम तजो पर गुरु ना बिसारो, गुरु सम हरि को ना निहारो, हरि ने जन्म दियो जग माही, पर गुरु ने आवागमन छुटाई। गुरु ने हरि ने राम ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, चरण दास पर तन मन मारो, गुरु ना तजो पर हरि को तज डारो। चरण दास की शिष्य थी सहजोबाई, बड़ी हिम्मत की है। कबीर साहब ने तो गुरु गोविंद को बराबर खड़े कर दिया, पर वो तो हिम्मत से कह रही है राम को छोड़ सकती हूँ, त्याग सकती हूँ, पर गुरु को नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु के वश में ही गोविंद होते हैं। तो इसलिए संत हमें इस संसार में जगाने के लिए आते हैं, कोई हमारा हंस हो और इस संसार सागर से पार हो जाए। और फिर देखें किसी की अच्छी लगन है, हर वो संसार में फंसने जा रहा है, तो संत ऐन अवसर पर चोट करते हैं। अपने हंस को कैसे निकालते हैं? एक समय दादू साहब के एक शिष्य थे, छोटी सी उम्र में पठानकुल में रज्जब साहब थे, अपने पिता के साथ सेवा करने आते। दादू साहब का उठना बैठना बोलना, वो समाधि की अवस्था, सेवा करते थे। जब जवान हुए तो घर वालों ने सोचा इसका विवाह कर दें, लेकिन दिल्ली कभी रुक जाते कभी वहाँ सेवा करने जाते थे। एक दिन कई दिन नहीं आए, शिष्यों से दादू साहब ने पूछा अरे रज्जब कई दिन हो गए क्यों नहीं आया? तो एक शिष्य ने कहा गुरुदेव आज तो उसका विवाह है, शादी है, और उसकी तो गोड़चिड़ी होने लग रही है। कहने के अच्छा, और दादू साहब ने देखे इतना अधिकारी शिष्य सर कहाँ फंसने जा रहा है। दादू साहब उठे, अपनी छिड़ी उठाई, और जहाँ बाजार से भरे बाजार में गुड़चिड़ी निकलने जा रही थी रज्जब के घोड़े के पास खड़े हो गए। रज्जब ने देखा गुरु महाराज सामने है, आंखों में आंख डाली, पर पहले ही बात चोट की। दादू साहब ने सोचा गर्म लोहे पर चोट करनी चाहिए तो असर होगा, यही समय है इसको जगाने का। तो कहा वाह रज्जब से गजब किया, सिर पर बांधा मोड़, और आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। वाह रज्जब से गजब किया, सिर पर बांधा मोड़, और तेरा तो पति और था, तू किसका बांधे मोड़, तू किसका पति बनने जा रहा है? तेरा भी तो कोई पति है, तू उसको भूल गया? परमात्मा से मिलने के लिए आया था और तू नरक किस ठिकाने जा रहा है? बस रज्जब को जैसे गर्म लोहे पर ना लोहार चोट करता वो लगी, घोड़ी से उतरा, मोड़ उतार कर फेंक दिया, वो दूल्हे की वेशभूषा उतार और दादू साहब के साथ कुटिया में आ गया
और सारा जीवन उन्होंने बहुत सेवा की। तो फिर वाणी में फिर सदगुरु लिखते हैं कि दादू जैसा गुरु मिले शिष्य रचम सा जाने, एक शब्द मैं उदरा रही ने पहचाने। कि गुरु दादू जैसे हो और शिष्य रजब से एक शब्द में पार कर दिया। और हमने तो कितने सत्संग सुन लिया आज तक, कितनी वाणी पढ़ ली, कितने गुरुदेव के चरणों में बैठकर व्याख्यान सुन लिए, लेकिन फड़के फड़के नहीं उठी है, कुछ कसक ही पैदा नहीं हो पा रही है। सदगुरु तो पूरे हैं, हमारे मन कहीं ना कभी कभी है। इसलिए मेरा अनुरोध है, थोड़ी फड़को, थोड़ी कसक जगाओ, थोड़ी लगन लगाओ, यह अवसर है जगने का। तो इतना प्रेम हो गया अपने गुरुदेव से रजब साहब ने, जब दादू साहब संसार से महाप्रयाण करने लगे, रोता रहा चिता के पास खड़ा होकर। और गुरुदेव ने समझाया भी, दादू का पिंजर बड़ा और नानक की दे, अरे ये तो पुतला है, मिट्टी का यही रह जाएगा, मेरा तो शब्द स्वरूप है। लेकिन रोकर दादू साहब से कहा, गुरुदेव पर ये शरीर तो नहीं दिखाई देगा ना, जिससे प्रेम है, जिसके चरणों में बैठकर निहाल होता था, सफर सुनता था और करुणा से आप सिर पर हाथ फेरते थे। और फिर कुटिया में आके रजब ने सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शिष्यों ने कहा, आंख क्यों नहीं खोलते हो, खाना पीना क्यों नहीं खाते हो? कहने लगे, अब किसको देखना है, जब गुरु ही गए वही देखने योग्य थे। और सच मानिए, जब तक रजब साहब दुनिया में रहे उन्होंने आंख नहीं खोली थी। जिस दिन गुरु महाप्रयाण कर गए, बस वो दर्शन अपने अंतस में लेकर वो रोते रहते बैठे रहते थे, आंख बंद रही थी। इसलिए फिर रजब साहब कहते थे, सिंह न सुंगे दास को बहुत करे उपवास, तू रजब गुरु दीदार बिने भोर न चाहे दास। क्यों? वो मांसाहारी है। तो उसने कहा, बस एक गुरु के दीदार के बिना ये संसार भी मेरे लिए घास की तरह है, और किसी को देखने की आशा ही नहीं है। तो इतना उनका प्रेम था। तो इसलिए गुरु सत्ता बहुत बड़ी ऊंची सत्ता है, हम कितनी भी इनकी महिमा गाएं बहुत कम है, गुणगान नहीं कर सकते हैं। और इतना हृदय गदगद हो जाता है कि इस बड़े कलयुग में एक ऐसे तपस्वी, ऐसे साधनाशील परम गुरुदेव हमें मिले हैं, जिनका सानिध्य मिला, जिनकी वाणी श्रवण करने को हमें मिलती है। हम तो आपके चरणों में बार बार बलियार जाते हैं कि जब भी सतगुरु, हो जरूरी नहीं मुक्ति चाहिए हमें, पर जब जब आप संसार में आओ तो हम आपके चरणों में ही जन्म लें। बस ये आपसे अरदास है, चाहे सतलोक में रहो, चाहे ब्रह्मंडों में घूमो या संसार में, जहाँ आप हैं सतगुरु वही हमारा सचखंड है। आइए, बड़ा मौका आज पूरे गुरु परिवार के लिए, हाथ जोड़ लें आप और अरदास करें आज अपने गुरु से। क्या? हम तुम्हारे थे सदा रहेंगे। बस ऐसी करुणा करना सदगुरु, जन्म जन्मांतरों तक आपकी सेवा का अवसर मिले। क्योंकि गुरु वो सत्ता है, ये संसार में कितने बड़े चमत्कार हो जाए और कितने बड़े अजूबे हो जाए, एक बहुत बड़ा अजूबा गुरु सत्ता के अंदर छुपा हुआ है। क्या? किसी ने गुल को गुलशन बना, गुलाब बना दिया, किसी ने गुलाब को कमल बना दिया, किसी ने आगरा में ताजमहल बना दिया, किसी ने जयपुर में हवा महल बना दिया, किसी ने मंगल ग्रह पर जाकर मकान बना दिया। कुर्बान जाऊं अपने सतगुरु पर, इस धरती पर इस बंदे को खुदा बना दिया। बंदे को खुदा बनाने की तरकीब गुरु के अंदर है। मंसूर के अंदर हूँ कोटि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म,
मैं खुदा हूँ। इसलिए समस्त ब्रज की कृपा से तो हम इस बंदे को खुदा बना सकते हैं, इसलिए हमने खुदा से भी पहला स्थान अपने गुरु को दिया है। तो हम गुरु वचनों पर चलें, इनकी आज्ञा में रहें। हमारे से तो लाखों गलतियां होती हैं, पर ये इतने करुणावान होते हैं, बकस देते हैं, कभी डांट दें, फटकार दें, गुरु को सारे अधिकार होते हैं, पर डर मत छोड़ देना। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कभी द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी निवाज है जो दर छोड़ना जाए। दर छोड़ो ही मत, कभी न कभी तो निवाजेंगे, और ये दर छोड़ने लायक नहीं है, ये तो सजदे के लायक है। तो आप कितने हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सदगुरु के बंदी छोड़ के चरणों में बैठकर हम इस सारे वातावरण का दिव्य आनंद ले रहे हैं। और अभी गुरुदेव जी सबका धन्यवाद कर रहे थे, कितना कितना आशीर्वाद धन्यवाद दे रहे थे। फिर मैं सोच रही थी, ये गुरुदेव जी का बड़प्पन है, हम सब ने मिलकर गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये गुलशन आपकी वजह से खिला हुआ है, ये बागबाड़ी आपकी वजह से है। हम तो भटक रहे थे, हमें कौन जानता था, और सदगुरु जब से आपकी शरण में आए हैं सब जानने लग गए हैं। तो इसलिए गुरुदेव हम तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आप ही धन्यवाद के पात्र हैं, हम आपका बदला किसी जन्म में नहीं दे सकते। तो समय काफी हो गया, मैं परम पूज्य गुरुदेव का और अपनी पावनी गुरु परंपरा का कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी महापुरुषों को और बाहर से आई हुई सारी गुरु परिवार गुरु संगत जो पवित्र प्रांगण में उपस्थित है, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। भले ही कितनी बाधाएं आए, लेकिन इस दिन मत छोड़ना कभी भी गुरु के दर्शन करने हैं। भले ही बाहर भौतिक परिस्थितियां हैं, एक हफ्ते से बारिश चल रही है, पानी चढ़ा हुआ है, लोग कई सोच भी लेते होंगे चलो बारिश है और गुरु के दर्शन तो फिर दो दिन बाद भी हो जाएंगे ना। आज वाला दिन ही खास होता है, एक महीने पहले इतनी तीव्र याद गुरु के हृदय के अंदर उठने लग जाती, कब गुरु पूजा आएगी। और इस दिन सच मानिए गुरु के आंखों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निश्चित होती है भक्तों के लिए। इसलिए गुरुदेव आपसे प्रार्थना है, एक बार ये पावनी दृष्टि देखो, सारे सबकी आंखें आपकी तरफ हैं और सबके दृष्टि डालते सब निहाल हो जाएंगे, गुरु की तो दृष्टि ही पावन करने वाली होती है। जन्म जन्म का साथ हो हरे जीवन में सतगुरु बन।
ठीक होगी। मैं यजमान परिवार का धन्यवाद करना भूल गई, हमारे आदरणीय श्री दौलत राम जी और हमारे आदरणीय सतवीर सिंह जी और माता लक्ष्मी देवी जिनका संकल्प से ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। आप यजमान बने और आप तो तन मन धन से सेवा कर ही रहे हैं आश्रम में रह के, तो बहुत पिछले पुण्य हैं जो आपको इतना बड़ा अवसर मिला है। तो आपकी बेटी, आपके सारे भाई बंधु रिश्तेदार, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।